नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रोतक पर। एस्ट्रोतक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके जीवन को सुगम, सरल और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हुए। खास बात और बहुत विशेष बात, एस्ट्रोतक को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर जाएं, बेल आइकन दबाएं, सारे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें, सारे नोटिफिकेशन प्राप्त करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार को और अपने अपनों को जोड़ें। अब आज का खास विषय करवा चौथ पर क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, कैसे होगी पूजा और क्या है विधि और विधान, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा करवा चौथ पर। शनिवार का दिन, तारीख 27 अक्टूबर 2018, और इस दिन कर्क चतुर्थी पर यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर करवा चौथ पर्व मनाया जाएगा। इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने लंबे सुहाग के लिए, 7 जन्मों के रिश्तों को बांधने के लिए गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां यानी कि सुहागने अटल सुहाग पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए ये व्रत करवा चौथ का व्रत करती हैं। और ये जो करवा चौथ का व्रत है ये देवी मूल जो मूलतः है देवी गौरी के निमित्त किया जाता है। और दीवार पर जो गेरू से फलक बनाकर पिसे चावल के घोल से करवा को चित्रित करके वर बनाते हैं। पीली मिट्टी से गौरी और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाए जाते हैं और गौरी का पूजन कर उन्हें 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाया जाता है। करवा पर 13 बिंदी रखकर 13 चावल के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कही जाती है। और पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द और सुहाग की सामग्री का दान किया जाता है और इसी करवा से ही चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है। और सास के पांव छूकर फल, मेवा और सुहाग की सारी सामग्री उन्हें दान कर दी जाती है। रात के समय चंद्रोदय के बाद में छलनी के ओंट से चंद्रमा के दर्शन करके अर्ध देकर चंद्रमा को जीवन साथी के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। ये जो मूलतः है करवा का पूजन है, ये करवा यानी कि जो मिट्टी का छोटा सा बर्तन होता है जिसके अंदर हम जल भरते हैं उसी को ही हम गौरी मानकर पूजन करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, खास विशेष मुहूर्त, तो संकल्प लेने का सुबह जो आप संकल्प लेंगे उसका जो मुहूर्त है वो है मध्यान्ह का समय, दिन को 11:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक। इसके बाद में अब आपको बताता हूँ कि सुबह का जो पूजन की विधि है वो क्या है। आप मध्यान्ह के समय पे दोपहर को शिवालय जाएं, शिवालय जाने के बाद में माता गौरी का संकल्प करें, हाथ में अक्षत पुष्प आदि लेकर के, और संकल्प लेने से पहले पूरे शिव परिवार का पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य वगैरह से उनका पूजन करें और अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर और सिक्का हाथ में लेकर संकल्प करें, ओम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्तर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रतम करीशे, ये व्रत का संकल्प मंत्र है जिसका मुहूर्त जो समय है वो है 11:42 और से लेके दोपहर को 12:26 तक। अब संध्या के समय जो स्पेशल मुहूर्त है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर शिव परिवार का जो चित्र होता है वो स्थापित कर लीजिए और जो दीवार है उस पर माता गौरी का विधिवत गेरू से उनका चित्र बनाकर षोडश उपचार पूजन कीजिए। गाय के घी का अगर दीपक मिल जाता है तो वो जलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप तेल का भी जला सकते हैं, शनिवार का दिन है, और चंदन से धूप जरूर करें, लाल और नीले फूल चढ़ाएं, 16 श्रृंगार जरूर करें और करवा पर स्वास्तिक जरूर जलाएं क्योंकि करवा का रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करवा के बगैर ये पूजा मानी ही नहीं जाती है, करवा मूलतः गौरी ही हैं। करवा पर 13 बिंदी जो है वो रखें और 13 दाने चावल के हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें, 8 पूरियों के 8 हावरी लगाएं, हलवे का भी भोग लगाएं और इस विशेष मंत्र का एक माला जाप करें। पूजन के बाद में 8 हावरी और हलवा जो है वो आप किसी भी सुहागन ब्राह्मणी को दान कर दें और चंद्रोदय के बाद में
छलनी के ऊँट से चंद्रमा के दर्शन करें और पूजन अर्घ्य देकर जीवन साथी का दर्शन करके अन्न जल ग्रहण करें। जो संध्या का पूजन मुहूर्त है वो रहेगा शाम को 6:38 से लेकर 8 तक। रात को चंद्रमा के दर्शन करने का जो छलनी के ऊँट से वो मुहूर्त जो रहेगा रहेगा रात को 8 से 9 तक का। और पूजन मंत्र जो है ओम शिव काम्य नमः, इसका आप जाप करें। तो मित्रों, अब आपके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन उपाय वो ये कि कैसे रहेगा आपका सुहाग सलामत। आज का महाटोटका, आज का महा उपाय वो ये कि सुहाग की रक्षा के लिए देवी गौरी पर 16 श्रृंगार का जो किट आता है वो आप चढ़ाएं और पूरी श्रद्धा से शिव कामे नमः मंत्र का जाप करते करते रुद्राक्ष की माला से वो जाप करें और इसे अपनी सुहागन सास को भेंट करें। और सुहागन सास अगर ना हो या किसी भी तरीके से सास सुहागन ना हो तो उस केस के अंदर आप किसी वृद्ध सुहागन ब्राह्मणी को से भेंट करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। आप देखिएगा सुहाग की सलामती होगी और जीवन खुशियों से भरेगा आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।